हैंड्स अप मैंने कुछ नहीं किया, ये बच्चा मेरा नहीं है। अबे क्या क्या बात कर रहा तू, ये तो कॉमेडी सर्कस का सेट है यार। अरे अल्लाह कसम, बिल्कुल सही बोल रहा है बिल्डर भाई, वो सामने एक और बिल्डर बैठा है देख। अपने सोहेल भाई है यार, सोहेल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाजू वाली की बात कर रहा हूँ भाई। डोले देख, इसके 1.5-2 किलो कीमा तो नाश्ते में बिना डकारे खा जाती होगी भाई पहलवान। वो अर्चना है यार। अबे हाँ। अबे यार। Sorry. Okay, great. जी हाँ, welcome to Comedy Circus. ये कौन है भाई? आपा जी। आपा। आपा जी, आपके घुटने देख कर ना मुझे पायों का सूप की भाई याद आ रही है बड़ी। अल्लाह के वेलकम टू द शो, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सुनील शेट्टी के लिए। लूट 4 नवंबर को फिल्म रिलीज हो रही है, एक एक्शन कॉमेडी है, फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस खास करके जावेद भाई और चीची भैया का। लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि प्रोड्यूसर भी हूँ और फॉर द फर्स्ट टाइम एक्टिंग भी कर रहा हूँ फिल्म में। थैंक यू। जोड़ी किसी ऐसी स्क्रिप्ट पर अपने जलवे दिखाएगी जिस पर कोई दूसरी जोड़ी पहले ही कमाल के जौहर दिखा चुकी है। प्लीज वेलकम कृष्णा एज कॉमेडी सर्कस राइटर एंड सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर। अर्चना जी, 10 का छुट्टा मिलेगा? नहीं। सोहेल भाई, 10 का छुट्टा मिलेगा? नहीं। तो फिर जजमेंट छोड़ के मेरी तरह राइटर को नहीं बन जाते आप लोग? मैं हूं इस शो का राइटर, नाराज शान ढीला। साले इज्जत बाद में दे, पहले बात तो करने दे मेरे को। मैंने इस शो में हजारों स्क्रिप्टें लिखी हैं, 3-4 स्क्रिप्ट एक्टरों ने परफॉर्म भी की है। कृष्णा को स्टार किससे बनाया? कपिल को स्टार किससे बनाया? सुदेश को स्टार किसने बनाया? ये सुरेंद्र को स्टार किसने बनाया? ये पूछ रहा हूँ किससे बनाया, मिलेगा तो मारूंगा साले को। तो रस्ते से आ रहा था मैं, अर्चना जी, एक बाबू जी मिले मेरे को, कहते भाई साहब 1000 का छुट्टा मिलेगा। मैंने बोला फूटी घोड़ी नहीं है, लेकिन एक राइटर से 1000 का छुट्टा मांग के आपने उसकी इज्जत जरूर बढ़ाई। बाद में 10 रुपए लिए मैंने उससे घर जाने के, वो बात अलग है, रस्ते में वड़ा पाव खाया, घर तो मैं पैदल ही गया। अर्चना जी, ये वाला पंच आपने पहले सुना है ना, कुछ नया चाहिए ना अभी। चलो 10 रुपए का छुट्टा नहीं है जेब में, नए नए पंच चाहिए आपको। हेलो सुनील सर, सर आपकी फिल्म आ रही है लूट, जोरदार तालियां। इस फिल्म में मेरे मामा जी भी हैं गोविंदा जी, और हम सब लोग दुआ करेंगे फिल्म सुपर हिट हो, एक और तालियां। भाई भाई, हमको बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं ना इधर फिल्म को प्रमोट करने, ये अच्छी बात है कि फ्री में आते हैं, पैसे नहीं लेते। और आज तो जावेद भाई का नाम जस्टिफाई भी हो गया, जावेद जाफरी। जावेद जाफरी। खैर, मैं अपनी फिल्म की कहानी सुनाने के लिए जाने वाला हूँ आज फेंकता कपूर के पास। ओह गॉश, बहुत सारी फिल्में बना रही है वो आजकल, देखते हैं मेरी फिल्म ले ले बस एक बार। बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मैं फेंकता कपूर के पास अपनी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ बाबा। ए, मैं बाबा बोबा नहीं हूँ। हाँ, मैं ही फेंकता कपूर हूँ। आप फेंकता कपूर हो? शकल और बॉडी से तो आप ऋषि कपूर लग रहे हो। ऋषि कपूर लग रही हूँ? हाँ। जब मेरी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ जाती है तो मैं रणबीर कपूर भी लगती हूँ। अच्छा, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, उसको मिलना चाहता था। एक काम करता हूँ, मैं 3-4 दिन बाद आता हूँ जब दाढ़ी बढ़ जाएगी। शट अप, शट अप, शट अप, शट अप। मैडम ये क्या कर रही हैं आप, जब होता नहीं तो नहीं करने का ना ऐसा। चलो स्टोरी सुनाओ। किस तरीके की स्टोरी चाहिए मैडम? जैसे मेरे सीरियल होते हैं, देखते हो ना? अरे जरूर देखते, कौन नहीं देखता मैडम, कमाल करती हैं आप। बताइए आप इतनी सारी एक जैसी स्टोरीज लाती कहाँ से? अर्चना जी, ये पंच में पहले एक बार बोल चुका हूँ, कुछ नया चाहिए ना अभी। चलो 10 रुपए का छुट्टा नहीं है जेब में। हाँ, नहीं नहीं पंच सुनना चाहती है। पहले तुमने कोई सीरियल वगैरह लिखा? हाँ मैडम, एक शो लिखता हूँ मैं, कॉमेडी सर्कस, 4 साल से लिख रहा हूँ। तो अभी तक लिखना नहीं आया?
शर्म नहीं आती तुमको? अरे कॉमेडी सर्कस तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, चार सालों में मैंने एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा। अरे करते क्या हो तुम, सिर्फ हंसाते हो लोगों को, है? लोगों की पेट दर्द होती है हंस हंस के, बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोग। क्या होता है उसमें, ना रोना ना धोना ना सास ना बहू। ये एक जलंधर से फूफा लाके बिठा दिया, एक बॉम्बे से टिंकू। स्टोरी सुनो। एक मिनट, लैपटॉप खोल लूं मैडम? हाँ खोल लो। हाँ आजकल लैपटॉप का जमाना आ गया, क्या करे, पहले ऐसे ऐसे लिखते थे लोग। ये क्या कर रहे हैं? लैपटॉप खोल रहा हूँ, अंदर से खराब हो गया मैडम, पूछा था ना आपसे। ये भाग ले तू। अरे अच्छा एक मिनट हो गया। तो मैडम फिल्म की कहानी शुरू होती है। मैडम फिल्म की शुरुआत में ना क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स शुरू में डाल दिया तूने। आजकल पूरी पिक्चर कौन देखता है मैडम? और वैसे भी हमारे जजेस कहते हैं कि स्क्रिप्ट का एंड हमेशा ऊपर होना चाहिए, इसलिए मैं क्लाइमेक्स को ऊपर ही लेकर आया। हाँ चलो सर। बहुत ग्रैंडर है मैडम फिल्म में। हेलीकॉप्टर आ रहा है, सूर्य सूर्य उदय हुआ है। वाह। ये हेलीकॉप्टर आता है और अमरूद के पेड़ से टकरा जाता है और हीरो हीरोइन मर जाता है। ये शुरू में हीरो हीरोइन मर गए, तुम हेलीकॉप्टर में क्यों लेके आ रहे हो उनको? नहीं नहीं, वो तो अमरूद के पेड़ पे बैठे हैं ना मैडम, आप भी ना। अमरूद के पेड़ पे हीरो हीरोइन क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं वो? अरे हीरो हीरोइन है, उनका मूड हो गया होगा एप्पल खाने का, तो जाकर बैठ गए उधर। अमरूद के पेड़ पे जाके सेब कैसे कैसे आ गया, कहां से आ गया? हीरो अपने घर से लेकर आया था ना सेब, आप भी ना मैडम। अच्छा, घर पे मुर्गी ने सेब दिया, हीरो लेकर आ गया, हीरो को खिलाया जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो, मुर्गी थोड़ी सेब देती है। अरे हीरो की माँ का नाम है मुर्गी। अच्छा अच्छा, कॉमेडी कॉमेडी मतलब उसके बाप का नाम मुर्गा होगा? नहीं नहीं, उसका बाप है चूहा। आप तो जानती है मैडम आजकल फिल्मों में कितना चूहियापा चल रहा है। ओ तेरा दिमाग खराब है, क्या कर रहा तू? ओ चलो निकल इधर से, चल चल। आज लूट की प्रमोशन है, चीची मामा नहीं आए आज। हेलो, हाँ चीची मामा। अरे सुनील भाई, जावेद भाई, आप आए नहीं प्रमोशन के लिए? अच्छा अच्छा, ओके ओके। कह रहे मैंने अच्छी एक्टिंग की, मुझे प्रमोशन की जरूरत नहीं है। सॉरी साहब, मैंने नहीं बोला जावेद भाई, चीची मामा ने बोला, उनको भड़कना आप मेरे पे। एक और प्रोड्यूसर के पास जाना है मेरे को, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, ये डियर डियर फिल्म सर, मेरे को यश खोपड़ा जी से मिलना है सर, मेरे को सर एक बार प्लीज मिलवा दो यश खोपड़ा जी से सर। ओ साहब नहीं मिलवाने गए तो कोई बात नहीं, मलयाली में गाली नहीं देने का। मैं हूँ। अच्छा आप ही हैं? सर you are सर मैं राइटर हूँ, आपने मेरे को बुलाया था ना फिल्म के नरेशन के लिए साहब। आप ही ने मेरे को फोन किया था सर्कल। हाँ पहले तो मेरे को लगा मेरे डैडी का फोन आया है, और बात करते करते उनकी जबान टेबल फैन के अंदर फंस गई है, बात में पता चला आप। हाँ स्टाइल है सर, बहुत बढ़िया स्टाइल है। मैं तो बोलता हूँ सर आप अरेबिक फिल्मों में डबिंग क्यों नहीं करते, बहुत पैसा कमाएंगे। साहब आपको फिल्म की कहानी का नरेशन दूं? हाँ। सब पिक्चर चालू होती है, सबसे पहले हम दिखाएंगे अपना पंजाब। सरसों के खेत। मक्की रोटी। सरसों के खेत, और बीच में से हीरो साइकिल के ऊपर आ रहा है। नहीं नहीं सर, स्पीड ब्रेकर नहीं है, खाली जगह है, उसमें साइकिल पे आ रहा है। और वो हीरोइन के पास आता है साहब, और आते ही बोलता है समझ नहीं आई। अरे सर आप हीरो हैं पिक्चर के। सर हम आपको लॉन्च करेंगे सर। मुझे शर्माने दे पहले। घर भी नहीं, बड़ी तो बेसी है, बड़े जजी सुनेगा मन थर्ड बुरा मत मानना, आजकल क्या स्क्रिप्टें चोरी हो जाती है, इसलिए हम लोग ऐसे बातें कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू।
बहुत अब्रप्ट एंडिंग लगी ना आपको है? मेरे को मालूम है, कुछ नया होना चाहिए था ना। अरे जेब में 10 रुपए का छुट्टा नहीं है? नहीं नहीं एंड चाहिए आपको इसी पे हंसो आप इसी पे। ओह माय गॉड। अर्चना आप बताइए। 10 रुपए का छुट्टा नहीं है, वाकई में नहीं है। आप लोगों को बस कड़क कड़क 100, 1000 और 10,000 के नोट डालने चाहिए। बोथ ऑफ यू अ फैबुलस फैबुलस जॉब। थैंक यू। सुहेल बस इसके पेट दुख गया है। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव लाफ्ड माय गट्स आउट। थैंक यू। सुनील हमारे ये राइटर प्रोड्यूसर आपको कैसे लगे? कृष्णा आपने जो बंदूक चलाई मामा के कंधे से आउटस्टैंडिंग है। आप लोग एक्चुअली यू शुड बी ड्रेस डिजाइनर्स बिकॉज आप सबके कपड़े उतार देते हो स्टेज पे। हमें नंबर्स भी दिखा दीजिए अर्चना। 10 तो थे ही नहीं ना मेरे पास, है ना तो फिर क्यों दूं 10? ये ही ले लो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.